हेलो एवरीवन, इंडस वैली सिविलाइजेशन अपने टॉपिक चल रहा था, उसमें अपन नगर योजना पढ़ चुके थे, शहर अपने चल रहे थे, उसी सीरीज में अपन पढ़ने जा रहे हैं शहर। तो आइए सेशन को चालू करते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन आज चर्चा चालू करेंगे, देखो पहले आप नोट डाल के दो पॉइंट लिखना। इंडस वैली सिविलाइजेशन में कहीं भी मंदिर नहीं मिले थे, क्या मंदिर के साक्ष्य नहीं है? मंदिर नहीं। और दूसरा पॉइंट अपन लिखेंगे, क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग धरती को क्या बोलते थे? आयरिस देवी के नाम से पूजा करते थे। और आयरिस देवी क्यों बोलते थे? क्योंकि यह बोलते थे यह उर्वरता की देवी है। यहां तक के पॉइंट क्लियर हो गए? जल्दी बताइए, यहां तक के पॉइंट क्लियर हो गए? और मैंने आपको उस दिन भी पढ़ाया था, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग किस जानवर से परिचित नहीं थे? किस जानवर से परिचित नहीं थे? यह शेर से परिचित नहीं थे। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। और चौथा अपन क्या पढ़ेंगे, यह कुबड़ वाला सांड को यह पूजते थे। ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। ये चारों पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में। और आयरिस देवी किसको बोलते थे? यह हमारी पृथ्वी को बोलते थे। और पृथ्वी को क्या बोलते थे? यह उर्वरता की देवी। ठीक है, शेर के बारे में यह नहीं जानते थे और कुबड़ वाला सांड को यह पूछते थे। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई? जल्दी बताइए, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई है? आइए अब बात करेंगे अपन, हमारा जो टॉपिक चल रहा था IVS शहरों के बारे में चर्चा करते हैं। आइए चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। देखो लोथल और धोलावीरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में हमेशा आपसे पूछता है। यहां तक की बात क्लियर हो गई? जल्दी बताइए। आइए और बात करते हैं, चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। लोथल कहाँ है? गुजरात में है। किधर है? गुजरात में। इस बात की बात क्लियर हो गई? लोथल कहाँ है? गुजरात में। और IVS में इसको किस काम में लिया जाता था? बंदरगाह के रूप में इसको काम में लिया जाता था। कृत्रिम गोदी बाड़ा के नाम से भी इसको जाना जाता है। कृत्रिम गोदी बाड़ा के नाम से किसको जाना जाता है? लोथल को जाना जाता है। चावल अर्थात धान प्राप्त हुआ, तो मतलब क्या हुआ? धान की खेती के साक्ष्य हमको कहां से मिलते हैं? लोथल गुजरात से मिलते हैं। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो बंदरगाह के रूप में उपयोग लोथल, कृत्रिम गोदी बाड़ा, लोथल चावल अर्थात धान की खेती के साक्ष्य हमको यहां से मिलते हैं। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। और डाकयार्ड, अग्निकुंड और इस बात का मिनी हड़प्पा के नाम से किसको जाना जाता है? एक बार SSC ने यही सवाल पूछ लिया, मिनी हड़प्पा के नाम से किसको जाना जाता है? लोथल को जाना जाता है। यहां तक के पॉइंट क्लियर हो गई? तो ये सारे पॉइंट आपसे एमसीक्यू में पूछे गए। बंदरगाह के रूप में किसको यूज किया जाता है? लोथल कहां है? गुजरात में है। यहां से पॉइंट आपको याद रखना है। और बताते हैं आपको क्या है इसमें, गोदी खाना ये हो चुका है हमारा। और यहाँ पे प्रशासनिक हॉल कहां मिलेगा? यहाँ पे लोथल में। और आपको जब आपको मोहन जोजारो पढ़ाया था, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा शहर या नगर है, वहां पे अपन को क्या मिला था? सभाघर मिले थे 27x27 के। यहाँ पे क्या मिलेंगे? प्रशासनिक हॉल। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई? जल्दी बताइए, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई? अब बात करते हैं, यह सब आपसे याद रखना है। बंदरगाह के रूप में उपयोग लोथल, कृत्रिम गोदी बाड़ा लोथल, चावल अर्थात धान की खेती कहाँ होती है? लोथल में पाए गए। और डाकयार्ड लोथल, अग्निकुंड, यह सब आपको पॉइंट याद रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट फिर एक और बात, बाट और माप कहाँ मिलता है? बाट और मन के कहाँ पे पाए गए? लोथल में पाए गए। अब बात करते हैं दूसरा हमारा, धोलावीरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार मार्क आगे, दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। धोलावीरा भी कहाँ है हमारे? गुजरात में है। क्या है? गुजरात में है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का एकमात्र शहर जो कितने भागों में विभाजित है? तीन भागों में विभाजित है। कितने भागों में विभाजित है? तीन भागों में विभाजित है। बहुत बार आपसे पूछता है इंडस वैली सिविलाइजेशन का ऐसा कौन सा शहर है जो तीन भागों में विभाजित है? कौन सा शहर है? धोलावीरा। और प्रत्येक शहर आपको बताया था कितने भागों में विभाजित होता है? दो भागों में विभाजित होता है। लेकिन एकमात्र शहर जो तीन भागों में विभाजित है वह कौन सा है? वह हमारा धोलावीरा है। कौन सा है? धोलावीरा है। यहाँ तक के पॉइंट आपको लोग याद रखना है। और 40वीं वर्ल्ड हेरिटेज में इसको शामिल कर लिया
गया है। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे, विश्व विरासत स्थल में इसको शामिल कर लिया गया है। 40वीं विश्व विरासत स्थल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से हमारे पॉइंट हो जाता है। गुजरात 3 भागों में विभाजित एकमात्र शहर इंडस वैली सिविलाइजेशन का और 40वीं विश्व विरासत स्थल में, और वही पर यह पूछा गया था धोलावीरा स्थित कहाँ है। इसके लिखेंगे आप कच्छ का रन, और कच्छ का रन कहाँ है हमारे, गुजरात में स्थित है। कच्छ का रन गुजरात में स्थित है। यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो गए, जल्दी बताइए यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो गए। आइए और बात करते हैं इसका वर्ल्ड हेरिटेज का, आप लोग ध्यान रखेंगे। खेल के मैदान के साक्ष्य कहाँ पाए गए, धोलावीरा में पाए गए। खेल के मैदान, नेवले की मूर्ति कहाँ से पाई गई, यह सब हमारे धोलावीरा से पाई गई। सबसे इंपोर्टेंट बात है 40वीं विश्व विरासत स्थल में इसको शामिल कर लिया गया है, मतलब विश्व विरासत वर्ल्ड हेरिटेज यह प्लेस बन चुका है धोलावीरा। धोलावीरा कहाँ है, तत्कारण गुजरात में स्थित है, और सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र शहर जो 3 भागों में विभाजित है। यहाँ से आपको यह है सारे पॉइंट याद रखने हैं। और अब अपन बात करेंगे, कल मैंने आपको फोटो के माध्यम से अपने बहुत सारे शहर जो इंडिया में पढ़ते हैं उनके बारे में आपको बताया था। आई होप आप याद करके आएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नहीं देखा तो दोबारा जाके देखें। आइए यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो गए। अब अपन बात करेंगे कुछ छोटे छोटे शहर जिनसे आपसे एग्जाम में बहुत बार सवाल पूछता है। आइए इसको यहाँ से थोड़ा सा बीच में से रफ करते हैं और यहीं लिखने का प्रयास करते हैं। आइए नोट डाल के लिखना आप, सुर कोठड़ा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस। यहाँ से क्या मिला था, हॉर्सबॉर्न। बहुत बार ऐसे ऐसे सवाल किया, घोड़े की हड्डियां कहाँ से प्राप्त हुई है, घोड़े की हड्डियां सुर कोठड़ा से प्राप्त हुई है। यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे, घोड़े की हड्डियां कहाँ से प्राप्त हुई है, सुर कोठड़ा से प्राप्त हुई है। और एक पॉइंट लिखेंगे आप भगत राव, यह भी सिंधु घाटी सभ्यता का एक शहर है, और यह किसमें काम के लिए यूज किया जाता था, यह भी बंदरगाह के रूप में काम में लिया जाता था। भगत राव, सुर कोठड़ा हो गया, भगत राव हो गया। और नौसारो कहाँ स्थित है, पाकिस्तान में स्थित है। और यहाँ पे क्या मिली थी, लिपस्टिक के साक्ष्य कहाँ मिले हैं अपन को, नौसारो में मिले हैं। नौसारो कहाँ है, पाकिस्तान में स्थित है। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। और एक बार यह पूछा गया था भारतीय महाद्वीप में इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा क्षेत्र कहाँ है, वह क्षेत्र कौन से स्थान पे पड़ता है, वह क्षेत्र पड़ता है हमारे, यहाँ लिखते हैं बनवाली। आपको बताया था कहाँ पड़ता है बनवाली, हरियाणा, ठीक है। और राखीगढ़ी भी कहाँ है, हरियाणा में पड़ता है। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। राखीगढ़ी और सोट का कोहा कहाँ है, पाकिस्तान में है। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे, कौन सा सोट का कोहा की क्या है जगह पूछी गई है, ये कहाँ है, पाकिस्तान में है। और एकमात्र शहर जहाँ एक भी दुर्ग नहीं है वह कौन सा है, चुंदहारो। यह एक भी दुर्ग में नहीं बटा हुआ शहर है चुंदहारो। और दो प्रत्येक शहर 2 भागों में 3 भागों में कौन, धोलावीरा, यहाँ तक के बाद। और जहाँ ड्रेनेज सिस्टम नहीं है कालीबंगन, यहाँ से ये पॉइंट क्लियर हो चुका है। आइए अब बात करते हैं, आप यहाँ से याद रखेंगे लेकिन चुंदहारो को, सुर कोठड़ा को आप यहाँ से याद रखेंगे, सुर कोठड़ा में क्या मिला था, हॉर्सबॉर्न। और यह कहाँ स्थित है, गुजरात में स्थित है। और बात करते हैं, चीजों को समझने का प्रयास करते हैं, कोल की हवा क्या है, उत्तर प्रदेश में एक इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक शहर। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप यहां से लिख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया सवाल है, बहुत बार एक जगह का बड़े बड़े अक्षर में अपन लिखते हैं, मेहरगढ़ सबसे पहला पॉइंट आप लिखेंगे, यह इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट नहीं है, यह सिंधु घाटी सभ्यता का पार्ट नहीं है। नंबर दो, यह क्या है, नवपाषाण स्थल में इसको गिना जाता है, नवपाषाण स्थल मेहरगढ़, इंडस वैली सिविलाइजेशन, नवपाषाण और मेहरगढ़ कहाँ स्थित है, पाकिस्तान में स्थित है। आज का सेशन आपको कैसा लगा हमें बताइए, अपन ने बहुत सारे कवर करने की कोशिश की, एसएससी के एग्जाम आपसे यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। कल मिलते हैं आपके साथ, ऐसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे।